तुम तो दिल्ली जाने वाले थे ना तैयारी के लिए जब यूपीएससी के सारे सुपर टीचर्स खुद मेरे पास आ रहे हैं दिल्ली को जाना इंडिया के सुपर टीचर्स के साथ अब होगी यूपीएससी क्रैक डाउनलोड करो टेस्ट बुक ऐप

ठीक है तो आई होप आप सभी लोग मुझे प्रॉपरली सुन और देख पा रहे होंगे एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दीजिए उसके बाद मैं शुरुआत करता हूं बोलो भाई बोलो 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 Yes, कल जिसका भी पेपर है जो जो बच्चा कह रहा है कल हमारा पेपर है गार्गी गार्गी का कल पेपर है बेस्ट विशेष मेरी तरफ से अच्छे से पेपर करके आना और मुझे पूरी उम्मीद है कि रीजनिंग में तो तुम एकदम फाड़ के आ जाओगे मतलब सारे ही क्वेश्चन करके आओगे ठीक है यस yes, तो चलिए शुरू करें फिर ये अस्त्र शस्त्र अपने ले लेते हैं एक एक करके क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आते जाएंगे सॉल्व करते चलना है थोड़ा सा स्पीड बना के चलेंगे एंड पेन पेपर ले लीजिए पहले ही कि इससे पहले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आए पेन पेपर आपके हाथ में आ जाना चाहिए पेन पेपर ले लीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए ता, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ें ज्यादा से ज्यादा लोग हमें uh, अभी इस लाइव uh, क्लास में ज्वाइन कर सकें तो उसके लिए आपको शेयर करना पड़ेगा और आपकी ही जरूरत है मुझे ताकि आप लोग शेयर कर पाओ आप ही लोग करोगे फटाफट से क्लास को शेयर कर दो और सेशन अच्छा लगेगा तो ऑफकोर्स हिट द लाइक बटन ओके नमस्ते बेटा नमस्ते स्पैम मत करिए स्पैम मत करिए एक बार में एक ही मैसेज करिए एक बार दो बार कर दो उससे ज्यादा बार मत करो बेटा ठीक है चलो आ, बढ़ते हैं आगे की तरफ कहा भैया नहीं चलोगे तुम तो? यार ये बड़ा दुखी किया रहता है सर जी हाँ ये देखो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेल आइकन प्रेस कर लो सो so देट आपको रेगुलर क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो पाए क्या हो गया यार कुछ तो अच्छा ये वहाँ आ गया है ये मैं गाँव ये तो मैं पाँच नंबर में हूँ तब तो भी ऐसा दिख रहा है ओके चालू ओके okay. रीजनिंग की क्लासेस कब कब होती है रीजनिंग की क्लासेस कब कब होती है एक होती है सर दोपहर में बारह बजे जो कि अभी हो रही है और दूसरी होती है रोज रात में आठ बजे तो बारह बजे डेली और आ, रात में डेली आज ये वाली क्लास नहीं होगी ठीक है वीकेंड पर हम लोग एक दो घंटे की क्लास करते हैं तो कल हम लोगों ने आठ बजे क्लास करी थी दो घंटे की आज हम लोग बारह बजे क्लास कर रहे हैं दो घंटे की ठीक है तो आज रात वाली क्लास नहीं होगी फिर आगे देखिए ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो अभिनव सर अंडर स्कोर टेक्स्ट बुक ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और यहाँ पर आपको पी वगैरह मिल जाएंगे जो भी मैं सेशन में आप लोगों को पढ़ाऊंगा ठीक है उसका पी आपको मिल जाएगा साथ ही साथ आपको एग्जाम्स के अपडेट कोर्सेज के अपडेट रिजल्ट के अपडे, अपडेट्स एंड कोई वैकेंसी अगर आती है तो उसके भी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलते रहेंगे तो अभिनव सर अंडर स्कोर टेक्सट बुक इसी तरह टाइप करिएगा सर्च करिएगा आपको मिल जाएगा इसको ज्वाइन कर लीजिए ओके और क्या है चलिए क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर आ चुका है पहला क्वेश्चन है ये फटाफट फड़ से इसको सॉल्व करिए और बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा चलिए बताइए हाँ चलिए बताइए इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या होगा हेलो हेलो मनीषा हेलो साक्षी हेलो पंकजनी हेलो लिटिल गुरु हेलो 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 आफत का लड्डू भैया हेलो <laughs> राजन हेलो हाँ जी दिव्यांश नीमा रिंपा दास देखिए सभी लोग कह रहे हैं कि वन होगा वन ऑप्शन नंबर वन कैसे कह रहे होंगे वो क्योंकि देखो अगर हम फर्स्ट लेटर टू फर्स्ट लेटर देखें क्योंकि ये देखो लेटर सीरीज है तीन तीन लेटर के सेट दिए गए हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से तीन लेटर आएंगे ये पता करना है तो सर ये देखो ये चौदह है माइनस एक तेरह माइनस एक बारह माइनस एक ग्यारह माइनस एक करोगे तो सर जे आ जाएगा अब जे से आंसर शुरू होना चाहिए ये ऑप्शन को छोड़ दीजिए सब में जे दिया हुआ है दूसरा लेटर अगर आप देखोगे तो सर ये वाई वाई से माइनस वन करोगे एक्स माइनस वन करोगे डब्ल्यू माइनस वन करोगे वी वी में माइनस करोगे U आएगा तो J के बाद यू आना चाहिए तो ये भी हटा दीजिए सर फिर उसके बाद डी सी बी ए के बाद जेड आ जाएगा यहां पर माइनस वन होता चला जा रहा है तो सर ये भी हटा दीजिए तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है जे यू जेड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर वन में गिवन है सर ठीक है जे यू जेड ये हमारा करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन देखो सर टू से बन रहा है 54 किसी तरीके से उसी तरह फोर से क्या नंबर बनेगा जिस तरह से 54 बन रहा है उसी तरह फोर से क्या नंबर बनेगा सर टू से फिफ्टी फोर बन रहा है टू से फिफ्टी फोर बन रहा है तो सर फोर से क्या नंबर बनेगा चलो बताओ टू से फिफ्टी फोर है तो फोर से क्या नंबर बनेगा अमित अमित अमीशा अर्जुन अमित बहुत बढ़िया चलो भाई जल्दी जल्दी शेयर और लाइक करते चलो लाइक बड़े कम है फटाफट फड़ से लाइक और शेयर पे थोड़ा विशेष ध्यान रखिए भाई क्वेश्चन का आंसर करते रहिए जब आंसर आ जाए तो उसके बाद लाइक और शेयर पे ध्यान दीजिए देखिए फिफ्टी फोर है तो फोर से क्या बनेगा देखो इसमें करना क्या है जैसे मान लीजिए यहाँ पर टू दिया हुआ है तो टू है और ये फिफ्टी फोर है फिफ्टी फोर कैसे आ रहा है तो इन्होंने क्या किया है इस टू में पहले तो प्लस वन कर दिया टू प्लस वन थ्री थ्री का क्यूब कर दीजिए कितना हो जाएगा सत्ताइस आ जाएगा सत्ताईस का सर दो गुना कर दीजिए कितना आ फिफ्टी फोर आ जाएगा देखो एक बार फिर से पहला वाला जो नंबर है उसमें प्लस वन किया two plus one, three, three का क्यूब उसका दो गुना कर देंगे 54 हो जाएगा यही आपको भी करना है यहाँ पर जैसे यहां पर चार दिया हुआ है तो चार में प्लस एक करेंगे तो पांच हो जाएगा पांच का क्यूब करेंगे तो सर एक सौ पच्चीस आ जाएगा एक सौ पच्चीस का दो गुना करेंगे तो सर कितना आ जाएगा बताओ एक सौ पच्चीस का दो गुना करिएगा तो कितना आ जाएगा 250 तो 200 वाली जनता जितनी भी है 200 वाली जनता जितनी भी है भैया आपका आंसर गलत हो चुका है करेक्ट आंसर यहां पर 250 है ठीक है करेक्ट आंसर 250 फिफ्टी यहां पर होना चाहिए यार ये काम नहीं कर रहा ढंग से टू फिफ्टी यस टू फिफ्टी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जरा इसको सॉल्व करो हेलो 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 हाँ जी तो आवाज आ रही है ना ठीक है तो यहां पर देखिए मंकी लिखा हुआ है मंकी का कोड आपको यह दिया गया है टॉर्क का कोड आपसे पूछा जा रहा है मंकी का कोड आपको दिया हुआ है सर ये कैसे बन रहा है सर बताओ भाई कैसे बन रहा है वॉइस नहीं आ रही अभी अभी तो आ रही होगी मैंने म्यूट किया हुआ था बच्चा मैंने म्यूट किया हुआ था तो वो थोड़ा सा स्लाइड चेंज करने में इशू आ रहा था ना तो मैं उसको सही करने के लिए म्यूट किया हुआ था उस समय इसलिए आपको आवाज नहीं आ रही थी अभी आ रही होगी आवाज आ रही है हाँ ठीक है तो देखो यहां पर क्या है मंकी एम ओ एन के ई वाई मंकी दिया हुआ है इसका कोड है सर एस टी आर DJP तो मंकी का कोड सर ये कैसे बनाया जा रहा है बताओ मंकी का कोड सर ये कैसे बनाया जा रहा है मंकी का कोड कैसे बनाया जा रहा है तो सर ये देखिए एम का अपोजिट एन तो है नहीं कहीं पर तो एम का करीबी लेटर एस हो सकता है टी हो सकता है आर हो सकता है लेकिन यहां पर जो लॉजिक है मैं डायरेक्टली बता रहा हूं आपको तो यहां पर इस तरीके से क्रॉस करते हुए प्लस फाइव का लॉजिक है पहले तीन लेटर को करना था ठीक है अब यही काम आप टॉर्क के साथ भी करोगे तो सर ये तीन लेटर है इनको प्लस फाइव करो तो ये अट्ठारह है और इसमें पांच प्लस करो अठारह दो बीस तीन तेईस सर डब्लू आएगा डब्लू तो सर सब में दिया हुआ है फिर सर ओ है ये होता है पंद्रह पंद्रह पांच पंद्रह पांच बीस बीस सर ये हटा दीजिए बाकी सब में दिया है फिर सर टी में भी पांच प्लस कर दीजिए पच्चीस आएगा पच्चीस तो सर सब में दिया हुआ है फिर इसी तरीके से यहां पर भी वो काम करिए यहां पर भी वो काम करिए तो सर सबसे आखिरी में ई दिया हुआ है उसमें पांच प्लस करिए तो जे आएगा सर ये हटा दीजिए ठीक है जे दोनों में दिया हुआ है फिर उसी तरीके से जे के बाद जेड भी होना चाहिए कि एम होना चाहिए चलो देख लेते हैं इक्कीस है इक्कीस में पांच प्लस करोगे तो जेड आएगा तो ये हटा दो सर आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू में ही दिया हुआ है आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू में ही दिया हुआ है पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है पता है आप लोगों को थोड़े बहुत भी ग्लिचेज होते हैं तो पढ़ाने का पूरा एक्सपीरियंस खराब हो जाता है अब हम यही करते रहे बार बार उसको चलो ओके तो इसमें देखो बच्चा क्या हो रहा है यहां पर आपसे कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन फिगर विच इज नॉट एम्बेडेड बताइए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें नहीं है अभी तक उल्टा पूछा मतलब अभी तक पूछा करता था कि कौन सा पार्ट इसमें छुपा हुआ है यहां पूछ रहा है कि कौन सा एम्बेडेड नहीं है कौन सा छुपा हुआ नहीं है सर ये बताना है फिर वही गलती मत कर देना कौन सा छुपा हुआ नहीं है जैसे ये वाला जो पार्ट है ये देखो नीचे की तरफ है ये वाला पार्ट नीचे की तरफ दिख रहा है सर ये है बहुत अच्छी बात है ये वाला जो पार्ट है वो भी देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है स्क्वायर है क्रॉस है अंदर और ये लाइन ऐसे निकली हुई है ये भी छुपा हुआ है ये भी छुपा हुआ पार्ट है और देखो सर और क्या हो रहा है आ, सर ये वाला पार्ट भी है देखो ये वाला पार्ट ले लो ये और नीचे से ये ट्राइंगल ले लो तो ये वाला पार्ट भी इसमें छुपा हुआ है ये तीनों हैं तो मतलब ये नहीं होगा सेकंड वाला नहीं होगा बेटा सेकंड वाला छुपा हुआ नहीं है सेकंड वाला छुपा हुआ नहीं है सर अरे आओ यार ये बहुत दुख है मेरे जीवन में तो आंसर इसका क्या हो गया आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू में दिया हुआ है नेक्स्ट ये देखिए टर्निप का कोड आपको दिया हुआ है क्वीन का कोड आपको दिया है लेमन का कोड आपसे पूछ रहा है बताइए देखिए कौन बता पाएगा टर्निप क्या ये डायरेक्ट कोडिंग है जितने लेटर हैं नहीं सर ये डायरेक्ट कोडिंग नहीं है क्यों क्योंकि अगर ये डायरेक्ट कोडिंग होता तो यहां आर के नीचे नाइन है तो यहां आई के नीचे नाइन क्यों आ गया गलत है ना डायरेक्ट कोडिंग नहीं है सर तो क्वीन का भी कोड किसी और तरीके से बना रहा हमें पता करना है लेमन का कोड लेमन हमें पता करना है लेमन का कोड लेमन का कोड बच्चा क्या आएगा बताओ लेमन का कोड बेटा क्या आएगा फटाफट से बताओ लेमन का कोड क्या आएगा बताओ देखो बच्चा यहाँ पे क्या हो रहा है टी हमारा देखो ट्वेंटी होता है, है ना टी हमारा ट्वेंटी होता है तो ट्वेंटी से टू प्लस जीरो कर दो टू प्लस जीरो क्या हो जाएगा टू हो जाएगा तो ये टू दिया हुआ है यू हमारा ट्वेंटी वन होता है टू प्लस वन थ्री होता है तो देखो ये थ्री हो गया आर हमारा अठारह होता है तो आठ और एक नौ होता है तो सर ये देखो नौ हो गया एन हमारा चौदह होता है चार और एक पांच होता तो ये देखो पांच हो गया आई हमारा नाइन होता है तो वो नाइन का नाइन ही रहेगा पी हमारा सोलह होता है तो और सात होता है तो ये देखो सात हो गया तो लेटर्स जो हैं, उनकी प्लेस वैल्यू जो है उसकी डिजिट का सम लेटर्स जो हैं उनकी प्लेस वैल्यू जो है उनकी डिजिट का सम ठीक है जैसे यहाँ पर देखिए एल हमारा बारह है ई हमारा पांच है एम हमारा तेरह है एन एन हमारा 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 ओ चौदह वैल्यू होती है तो बारह से दो और एक तीन बन जाएगा पांच से तो पांच ही रहेगा तीन और एक कितना हो जाएगा चार हो जाएगा पांच और एक छ हो जाएगा और चार और एक भी पांच हो जाएगा तो तीन पांच चार छ पांच तीन पांच चार छ पांच ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर वन आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है ठीक है चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं ये हमारा रिमोट काम नहीं कर रहा मुझे मैन्युअली ऐसे करना पड़ेगा चलो अच्छा ये एक ऑफर है इसके बारे में बता देते हैं तो अभी ऑफर ये चल रहा है कि जितनी भी वैलिडिटी का आप बुक पास परचेज करोगे उसका हाफ वैलिडिटी आपको फ्री में एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल जाएगी जैसे अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 15 दिन फ्री में और आपको मिल जाएंगे अगर आप एक साल का 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 सब्सक्रिप्शन लेते हो यानी कि 12 12 महीने का तो आधा बारह और 6 महीने यानी कि टोटल 18 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा अगर आप दो साल का टेक्स्ट बुक पास लेते हो दो ईयर की वैलिडिटी टू ईयर की वैलिडिटी तो उसमें प्लस वन ईयर की वैलिडिटी आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी तो तीन

जैसे अगर मैं एक साल के टेक्स्ट बुक की, पास की बात करूं कि वन का तो तीन सौ साठ रुपए का एक साल का सब्सक्रिप्शन है तीन सौ साठ रुपए पे करोगे 360 पे करोगे एक साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा लेकिन उसी के साथ साथ छह महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी मिलेगी यानी कि इस अमाउंट पर आपको 18 मंथ के लिए सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा इस अमाउंट पर अट्ठारह महीने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा है कि नहीं अच्छी बात तो आज ही टेस्ट बुक पास परचेस करो और मॉक टेस्ट लगाना शुरू करो क्योंकि मॉक टेस्ट लगाओगे तो सिलेक्शन के चांसेस तुम्हारे मल्टीपल होते जाएंगे और नहीं लगाओगे तो डिवाइड होते चले जाएंगे चांसेस चांसेस की की बात कर रहा हूं मैं सिलेक्शन के चांसेस की। ठीक है बाकी आप समझदार है ही है ये देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया हुआ है ये लेटर्स और डिजिट है कुछ उसके सामने एम एन रेखा पर मिरर रख दिया गया है मिरर पे जब रिफ्लेक्शन पड़ेगा इसका तो वो कैसा दिखाई देगा सर मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई देगा बताओ भाई अरे क्या हुआ क्या आवाज आने में कुछ प्रॉब्लम आ रही है मेरी वॉइस नहीं आ रही अच्छे से मेरी आवाज अच्छे से नहीं आ रही क्या चेक कर लेना बेटा सबसे पहले तो देखो पी का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा पी वो भी उल्टा सबसे पहले पी दिखाई देगा उल्टा सर यहां पर गलत है ये ठीक है चलिए आठ 8 सब में सही है सिक्स का रिफ्लेक्शन सब में सही है लेकिन इसमें नाइन दिखाई दे रहा है तो ये हटा दीजिए जी का रिफ्लेक्शन सब, सब में सही है फिर आर का जो रिफ्लेक्शन है वो इसमें गलत है तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू में होगा करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर टू में होगा जिसमें जो गलती है वो मैंने आपको दिखा दिया है करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर टू में गिवन है यहाँ पर देखिए दो स्टेटमेंट हैं दो कंक्लूजन है फटाफट से सॉल्व करो बताओ कि कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा दोनों में से कौन सा कंक्लूजन फॉलो करेगा गाइस जल्दी जल्दी करो हेलो 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 कोई भी आनियन लेमन नहीं है कोई भी लेमन पोटैटो नहीं है ठीक है कोई भी आनियन, कोई भी आनियन, कोई भी अनियन क्या नहीं है सर लेमन नहीं है कोई भी आनियन लेमन नहीं है कोई भी अनियन लेमन नहीं है और कोई भी लेमन जो है वो पोटैटो नहीं है पोटैटो नहीं है अब कंक्लूजन यहां क्या कह रहा है पूछ रहा है तो अच्छा ये बताइए कि कोई भी अनियन पोटैटो ना हो कोई भी अनियन पोटैटो ना हो क्या ये सही बात है तो अनियन का पोटैटो से डायरेक्ट कोरिलेशन तो दिया नहीं है इसको तुरंत कैंसिल कर दो कोई भी पोटैटो लेमन नहीं है तो सर देखिए कोई भी लेमन अगर पोटैटो नहीं है तो कोई पोटैटो भी लेमन नहीं होगा नो पोटैटो इज लेमन ये बात बिल्कुल सही बैठेगी तो सेकेंड वाला फॉलो करेगा ही करेगा तो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो विच इज इन ऑप्शन नंबर टू ओनली सेकेंड कंक्लूजन फॉलो विच इज इन ऑप्शन नंबर टू ऑप्शन नंबर टू में ये फॉलो होता हुआ हमें दिखाई देगा एम्फीबियन अगर फ्रॉक से रिलेटेड है एम्फीबियन अगर फ्रॉक से रिलेटेड है तो रेप्टाइल किससे रिलेटेड होगा एम्फीबियन अगर फ्रॉक से रिलेटेड है तो रेप्टाइल किससे रिलेटेड होगा नेहा शर्मा रुक जाओ भी चेक करते हैं देखते हैं क्या दिक्कत है क्या नाम है क्या नाम है क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ तो बात हो रही है एम्फीबियन अगर फ्रॉग है क्योंकि देखो फ्रॉग एक एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है तो कौन रेप्टाइल की कैटेगरी में आएगा तो लीजर्ड आएगा सर कॉकरोच कंगारू माउस नहीं होगा लीजर्ड होगा जो हार... किसकी कैटेगरी में आएगा रेप्टाइल की कैटेगरी में आएगा अगला क्वेश्चन देखो सर यहाँ पर इक्वेशन को बैलेंस करना है कौन कौन पर, कौन कौन से से 26, 5, 6, से स्टार्स की जगह पर साइन प्लेस करने होंगे जिससे और हम 50 बना सकें क्योंकि देखिए सर यहाँ पर इक्वल दिया हुआ है लास्ट में यानी कि यहाँ पर इक्वल ही आएगा मतलब कि पचास निकल के आना चाहिए सर पचास निकल के आना चाहिए आउटपुट तो इन सारे नंबर से हम फिफ्टी बना दें ऐसा क्या करें किसको प्लस करें किसको माइनस करें ऑप्शंस आपके पास हैं चेक करिए भाई ऑप्शन आपके पास हैं चेक करो जल्दी जल्दी जैसे कि ये ऑप्शन देखो डिवाइड वाला चेक करो डिवाइड वाला यहां पर है छह बटे पंद्रह कटेगा ही नहीं और उसके आगे और पीछे मल्टीप्लाई भी नहीं है तो ये ऑप्शन तो हमने पहले ही कैंसिल कर दिया इस तरीके से चेक कर सकते हो चलो फटाफट राहुल कह रहे टू होगा बाकी और कोई बी होगा कंफर्म है बी होगा बच्चे कह रहे हैं सर बी होगा आइए देख लेते हैं बी इसका आंसर है

5 है। तो यहां पर देख लेते हैं सर, 25 में से पांच चला जाएगा तो बोलो बेटा कितना आएगा? 20, 20 और 30 कितना आएगा? और और हो जाएगा? 20 और 30 हो जाएगा 50. तो ये सर, का कोड बताइए का दिया हुआ है, और हमसे कह रहा है कि मरीना का कोड हमको बताइए जितने लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया हुआ है दिस इज नॉट गुड बेटा दिस इज नॉट डन फटाफट फड़ से लाइक करो जो भी बच्चे अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए हुए हैं फटाफट से लाइक करिए भाई और बताइए कि ये सर हमने लाइक कर दिया है अब ये कोडिंग डिकोडिंग है सर ये कैसे बन रहा होगा सोचो फैक्टर बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते बेटा एग्जाम में ठीक है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आते हैं और मुझे यहां पर लिखते लिखते ही समझ में आ जाता है कि क्या लॉजिक है सर तो पर यहाँ पर देखिए चार प्लस हुआ है यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी हर जगह केवल चार ही प्लस हुआ है हर एक जगह पे केवल फोर ही हम प्लस कर रहे हैं हर जगह आप फोर प्लस कर रहे हो यहां पर देखिए फोर प्लस करते हैं तेरह और चार बोलो कितना हुआ सत्रह हुआ क्यों आना चाहिए सर ये हटा दो ये हटा दो ठीक है यहाँ पर देखिए चार प्लस करेंगे ई आ जाएगा तो ये देखो यहां पर भी है यहां पर चार प्लस करिए अठारह और चार होता है बाईस यानी कि वी वी आना चाहिए यहां पर एच दिया हुआ है आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन है बहुत आसान क्वेश्चन बहुत जल्दी आप इसके आंसर तक पहुंच जाते हो ठीक है थोड़ा बहुत भी अगर आपने प्रैक्टिस करके रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आती है ठीक है ठीक है तो फ्रीडम का कोड हमको दिया हुआ है और हमसे सी पी आई एन ई -E, इसका कोड हमसे पूछ रहा है पता नहीं मीनिंगफुल वर्ड है भी कि नहीं है तो फ्रीडम का कोड हमको कैसे दिया जा रहा है नंबर्स में दिया जा रहा है नंबर्स कितने बहुत सारे सर है बहुत सारी डिजिट है फ्रीडम में जितने लेटर हैं उससे कहीं ज्यादा हमें यहाँ पर डिजिट दिखाई दे रही हैं तो कैसे बन रहा होगा सर सीधे सीधे प्लेस वैल्यू देख लो जैसे एफ है एफ का प्लेस वैल्यू सिक्स होता है तो सिक्स लिया हुआ है आर का अट्ठारह होता है तो देखो अट्ठारह दिया हुआ है ई e का पांच होता है लेकिन यहाँ पर ट्वेंटी टू दिया हुआ है टू या ट्वेंटी टू दिया हुआ है क्यों क्योंकि ई e के अपोजिट की प्लेस वैल्यू ली गई है यहां पर ई e के अपोजिट की प्लेस वैल्यू होती है वी ई e का अपोजिट वी होता है ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू यहां भी है ट्वेंटी टू यहां भी है फिर डी डी होता है फोर तो फोर लिख दिया है ओ का अपोजिट होता है एल एल यानी कि बारह तो देखो बारह दिया हुआ है एम होता है तेरह तो तेरह दिया हुआ है तो यहां पर ऐसा क्यों है कि कुछ लेटर्स के अपोजिट की प्लेस वैल्यू ली गई है तो जो वॉवल है हमारे पास उनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू है ई e का अपोजिट वी उसका प्लेस वैल्यू ओ का अपोजिट एल उसका प्लेस वैल्यू ये इसका लॉजिक है हाँ, वोवेल का अपोजिट है कॉन्सोनेंट का एज इट इज है ठीक है तो एस यू पी आई एन ई है हमारे पास एस यू पी आई एन ई में वोवेल कौन कौन है बेटा ई है आई है यू है तो इनके तो अपोजिट आ जाएंगे बाकी बाकी के एज इट इज आ जाएंगे जैसे एस हमारा उन्नीस होना चाहिए ये ऑप्शन हटा दीजिए बाकी सब में उन्नीस दिया हुआ है फिर यू का अपोजिट एफ होता है एफ हमारा छ होता है सर तो एफ हमारा छ होता है ये हटा दीजिए छह को हो सकता है जीरो छ लिखा गया हो अच्छा P होता है 16 तो सर ये भी कैंसिल हो जाएगा यही आंसर है P होता है 16 यानी कि आंसर ऑप्शन नंबर टू C हमको टू लग रहा है C होगा हमको भाई टू लग रहा है आइए देखते हैं टू है किसी है क्यों बेजती करा रहे हो लाइव क्लास में हाँ टू इसका करेक्ट आंसर है Two इसका करेक्ट आंसर बेटा थ्री नहीं है इसका इसका करेक्ट आंसर है इस इमेज को पूरा करेंगे सर एक चौथाई हिस्सा है तीन चौथाई हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है एक चौथाई हिस्सा सर मिसिंग है वो इनमें से कौन सा पार्ट होगा तीन चौथाई हिस्सा हमें दिखाई दे रहा है एक चौथाई हिस्सा मिसिंग है वो बताइए इनमें से, इन से कौन सा है जिसको उठा करके क्वेश्चन मार्क की जगह पे रखोगे तो इमेज हमारी कंप्लीट हो जाएगी अब तुम लोग है का कुछ इश्यू आ रहा है उसको इग्नोर कर दो ठीक है एक बार रिफ्रेश कर लो या तो एक बार रिफ्रेश कर लो हो सकता है सही हो जाए एक बार रिफ्रेश कर लो हो सकता है सही हो जाए और अगर नहीं सही होता है तो मेरे एक्सप्रेशन और मेरे चेहरे पे मत ध्यान दो बस खाली कंटेंट पे ध्यान देते चलो ठीक है इधर मत ध्यान दो फिर आ, यहां पर हमें पहले तो एक ये सर्कल है जिसको कंप्लीट करना होगा तो सर सर्कल कंप्लीट होना चाहिए यहां पे यहां भी है यहां पर नहीं है सर फिर उसके बाद उसके बाद उसके बाद, बाद लाइन पूरी जानी चाहिए यहां पर लाइन नीचे नहीं जा रही है तो सर ये भी हटा दीजिए अब इन दोनों में देखो ये अंदर की तरफ लाइन नहीं बढ़ रही थी ये जो लाइन है ये नहीं होनी चाहिए थी तो ये भी हटा दीजिए तो थ्री हमारे पास बच रहा है सी सी के साथ हम जाएंगे बहुत बढ़िया अच्छा बहुत बढ़िया तो आंसर तो हमें तो मिल गया आंसर इसका ऑप्शन नंबर थ्री है चलिए बच्चा आपको एक टारगेट दे रहे हैं दो प्लस स्टूडेंट हमें करने हैं 200 प्लस लाइव स्टूडेंट हमको करने हैं और उसके लिए हमें और आपको करना पड़ेगा शेयर तो हम तो कर रहे हैं आप भी करिए फटाफट से 20 सेकंड जल्दी से शेयर करिए सर आप लगते ही इतने अच्छे कि आपके फेस पर ही फोकस जाता है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मजा आ गया यही सब बोलो भाई शेयर करो हम शेयर कर रहे हैं आप भी कीजिए हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते चलें शेयर ना करना तुम लोग चलो राइट right का कोड हमें दिया है मंथली का कोड हमें दिया है एमस्टरडेम का कोड हमसे पूछ रहा है बहुत सिंपल क्वेश्चन है बहुत सिंपल बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है <laughs> राजन गुस्सा होना पड़ेगा राइट right का कोड हमें दिया हुआ है राइट आर डब्ल्यू आर आई टी डब्ल्यू आर आई टी राइट का कोड हमको क्या दिया हुआ है सर आर है डब्ल्यू है आई है E है और T है ये राइट का कोड है सर W और ये रहे T और E ये रहे I ये रहा यही लेटर्स वापस से नीचे लिख दिए गए हैं सीक्वेंस कुछ इस तरीके से बदल के वही काम अब आप यहाँ पर भी करिए वही काम आप आप यहाँ पर भी करिए सबसे पहले देखो तो आप यहाँ पर आपने क्या किया था कि हाफ ऑफ पार्ट में डिवाइड कर दिया था बीच में एक रह गया था तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ नौ अगर हैं तो एक दो तीन चार लेफ्ट में चार राइट में तो इसको अगर हम इस तरह चेंज करें कि टी ए टी एस एम ए ये हटा दो टी एस एम ए ये हटा दो सर टी ए यहां पर दिया हुआ है फिर ई e का ई e रहेगा फिर एम ए डी आर एम ए डी आर ये हटा दो सर ये यहां पर है यहां पर वन में है थ्री में ना है बेटा बेटा तीन में ना है वन में है वन में वन यानी कि जंगल है ना वन में है ठीक है आंसर ये था सर ये सीरीज चल रही है फर्स्ट इमेज से सेकेंड सेकंड से थर्ड थर्ड से फोर्थ वाला कैसा दिखाई देगा फर्स्ट इमेज देखो उससे सेकेंड देखो थर्ड देखो फोर्थ कैसा दिखाई देगा ये बताओ फोर्थ कैसा दिखाई देगा कैसा दिखाई देगा फोर्थ बताओ सर यहां पर ये एरो ऊपर जा रहा है फिर ये क्लॉकवाइज मूव कर रहा है लेकिन अपनी पोजीशन भी देखो कैसे कर रहा है पहले ऊपर देख रहा था अब लेफ्ट देख रहा है फिर अब नीचे की तरफ देख रहा है अब यहाँ पर आना चाहिए इसको क्योंकि अपनी पोजीशन बदल रहा है अब एरो को यहाँ पर होना चाहिए ऊपर देख लिया लेफ्ट देख लिया नीचे देख लिया अब राइट देखना चाहिए इसको राइट की तरफ देखना चाहिए राइट की तरफ देखना चाहिए ये ऑप्शन छोड़ करके बाकी सब में राइट की तरफ देख रहा है ट्राइंगल तो सर बीच में ही है तो सर हम बीच में ही रखेंगे सर यहाँ पर ऊपर वाला पार्ट फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे वाला शेडेड होना चाहिए नीचे वाला शेडेड होना चाहिए नीचे वाला शेडेड होना चाहिए सर ये हटा दीजिए अब रही बात स्क्वायर की यहां पर था आगे आ गया नीचे आ गया अब इधर इसको पीछे की तरफ यहां पर होना चाहिए यहां पर दोनों में है डॉट कलरफुल ब्लैंक कलरफुल ब्लैंक डॉट यहां पर होना चाहिए ये हटा दीजिए ये हमारा आंसर है बन गया देखिए सर ये बी कौन बोल रहा है बदतमीज बी होगा वन होगा आइए देखते हैं वन होगा वन यानी कि जंगल है ना वन होगा बेटा ये बी वाले जितने हैं ये सब मार खाने वाला काम कर रहे हैं भैया चेक कर लिया करो थोड़ा सा चेक कर लोगे तो क्या हो जाएगा पापा की शेरनी बेटी आफत का लड्डू ये हमारे बच्चे तो इतने आ, क्रिएटिव हैं कि अलग अलग नाम से आईडी बनाए करते हैं देखो अब इन्होंने आफत का लड्डू बनाया हुआ है पापा की शेरनी बेटी है ना मम्मी के चमगादड़ <laughs> अलग ही लेवल के बच्चे हमारे चलो आगे देखो ओके इन तो सर ये बताइए कि इसमें कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है सर ये बताइए और तुम लोग पता नहीं कैसे शेयर करते हो तुम्हारी बात ही नहीं सुन रहा कोई आ ही नहीं रहा है पहला पार्ट दूसरे में कह रहा है कि के बराबर है एच के तो के बराबर है एच के के को यहां लिख दीजिए के जो है वो बराबर है सर किसके एच के एच बड़ा है टी से तो सर एच बड़ा होगा टी से यहाँ मैंने नीचे लिख दिया टी बड़ा है जेड से टी बड़ा है जेड से यहाँ पर मैंने नीचे लिख दिया तो ये इक्वेशन है मर्ज होती हुई अब इसमें यहां पर बताइए कि कौन सा कंक्लूजन सही नहीं है इसका मतलब तीन सही होंगे इसमें अब पहले देखिए एम क्या बड़ा है पी से एम बड़ा है पी से तो यस सर यहां से यहां तक देखिए एम बड़ा है पी से ये तो सही है सर अच्छा एच क्या बड़ा है डी से तो यस सर यहाँ से यहां तक देखिए एच बड़ा है डी से ये भी सही है एच क्या बड़ा है जेड से तो यस सर यहां से यहां तक देखिए एच जो है वो बड़ा है जेड से ये भी सही है अच्छा जेड क्या बड़ा है के जेड तो तो तक जाऊंगा तो मुझे मिलेगा के इज ग्रेटर देन जेड लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है इज स्मॉलर देन तो ये वाला सर क्या हो गया गलत हो गया मैं बहुत आराम से चलूंगा अब ठीक है चेयर वेयर कर नहीं रहे हो तुम लोग आंसर इसका ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है दिखाई दे रहा होगा आपको ठीक है अगला क्वेश्चन दिखाते हैं ये आपका वापस से आ गया स्टेटमेंट कंक्लूजन चलिए निपटाते हैं इसको जल्दी जल्दी विवेक दीपेश राजन अन्नू सतीश अश्विन अमित अमीशा मचाओ बेटा जल्दी जल्दी ओनली टू देखो बेटा सम रिंग्स आर कैलेंडर देखिए सर सम रिंग्स आर कैलेंडर सम रिंग्स आर कैलेंडर और सभी रिंग कैप्स भी हैं और सभी रिंग्स कैप्स भी हैं सर सभी रिंग क्या है सभी रिंग कैप्स भी हैं ठीक है ये कैलेंडर था तो कुछ रिंग कैलेंडर हैं सभी रिंग कैप हैं कंक्लूजन है कि क्या सभी कैलेंडर रिंग हैं तो नहीं सर कुछ कैलेंडर रिंग हैं कुछ कैलेंडर रिंग हैं कुछ सभी कैलेंडर रिंग

बेड अगर स्लीप से रिलेटेड है तो चेयर किससे रिलेटेड होगा बिस्तर अगर नींद से संबंधित है तो कुर्सी किससे संबंधित होगा सर बेड पे सोते हो तो चेयर पर सर हम तो कहीं भी सो लेते हैं हम तो पंखे पे चढ़ के भी उल्टा होकर के भी सो लेते हैं ऐसा भी बताओगे तुम लोग सर बेड का संबंध अगर स्लीप से है तो चेयर का क्या होना चाहिए जंप बैलेंस वुड या सेट तो सेट चेयर का जो प्राइमरी यूज है वो यही है कि उस पर हम बैठते हैं बाकी आप इस्तेमाल तो किसी लिए भी कर सकते हो है ना ये भी सही है सर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं है, है, क्वेश्चन मार्क है की जगह पर क्या नंबर आएगा।, आएगा बताओ ये नंबर जो हैं सर वो किसी तरीके से रिलेशन बना सकते हैं या तो रो वाइज या तो सर कॉलम वाइज चलिए बताइए जल्दी से रो वाइज या फिर कॉलम वाइज किस तरीके से रिलेशन बना रहे हैं किसी को कुछ आइडिया चलो चलो जल्दी रिंकी पाल आ जाओ बेटा स्वागत है आपका शेयर करो रिंकी अपने साथ अपने दोस्तों को भी लेकर के आओ फटाफट फड़। 108 मुझे विशाल भारती ने बताया कि सर 108 आएगा मुझे पता नहीं इनका आंसर सही है कि नहीं 107 भी कोई बोल रहा है ऑप्शन में ही नहीं है कहा भैया कौन सा नशा करता है एक 119 एक सौ उन्नीस तो है ऑप्शन में ठीक है 108 पे ज्यादा बच्चे जा रहे हैं सर देखिए हुआ क्या है ये रो वाइज रिलेशन है रो वाइज रिलेशन है पहले वाली रो में क्या है 15 और 12 से सर बन रहा है 90 कैसे बनेगा सर पहला वाला जो नंबर है उसका आधा कर दीजिए उसका आधा करेंगे तो मिलेगा 7.5 अब उसको सेकंड वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए 7.5 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे सर 90 आ जाएगा बोलो हर हर महादेव हां यस उसी तरीके से सोलह तेरह और एक सौ चार एक सौ चार कैसे बनेगा सर सोलह का आधा होता है आठ सोलह का आधा होता है आठ और तेरह और आठ का मल्टीप्लाई करोगे तो सर एक सौ चार आ जाएगा उसी तरह बारह का आधा होता है सर छह का आधा छह और छह का मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा एक सौ आठ एक सौ आठ बन जाएगा बोलो बोलो बच्चों यस सर आंसर इसका ऑप्शन नंबर टू हो जाएगा समझ में आया जी देखो सुष्मिता भी आ गई क्लास में जानवी जी बहुत बढ़िया चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं यह है, है नंबर सीरीज सर 40 से 41 तो यहां तो केवल एक बढ़ा है 41 से 50 यहाँ कितना बढ़ा यहाँ तो सर नौ बढ़ गया है यहां से यहां तक में कितना बढ़ा यहाँ सर 25 बढ़ गया है यहां से यहां तक में कितना बढ़ा है सर फोर्टी नाइन यहाँ पर 49 बढ़ गया है 9 5 14 नौ पाँच चौदह चार सात चार ग्यारह एक बारह आगे क्या आएगा तो सर डिफरेंस निकाल करके आपको लग रहा है कि अब ये मुश्किल है नहीं सर अब मुश्किल नहीं है क्यों क्योंकि डिफरेंसेस में आपको लॉजिक मिल गया सर डिफरेंसेस देखिए एक नौ पच्चीस और फोर्टी नाइन क्या उनचास कैसे कैसे क्या हो रहा है सर एक का स्क्वायर दो एक का तीन का पांच का सात का आठ नौ नौ का स्क्वायर आना चाहिए इक्यासी है ना इक्यासी ऐड करेंगे एटी वन ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा दो सौ पांच हो जाएगा एटी वन एड करेंगे दो सौ पांच हो जाएगा दो सौ पांच हो जाएगा तो कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर जो हैं उनके स्क्वायर को हम ऐड कर रहे थे यहां पर देखिए पांच दोस्त है गोलमेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं अब बताइए कौन कहा बैठेगा तो सर एक दो तीन चार पांचवा किधर बना दें अच्छा रुको एक काम करते हैं बराबर दूरी पे बनाते हैं है ना बच्चे गैंग सर हमें थोड़ा सा समझ में आ जाए ऐसा बनाइए एक है सर दो है सर यहाँ पर तीन है यहाँ पर चार है यहाँ पर पांच है ठीक है लगभग बराबर दूरी पे है सब तो ये पांच लोग हैं गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं पांच लोग हैं गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं और देख रहे हैं केंद्र की ओर सेंटर की ओर अभिषेक सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ शरद अभिषेक जो है वो शरद के इमीडिएट लेफ्ट में है अभिषेक शरद के तो मान लेता हूं मैं पर शरद है तो शरद के इमीडिएट लेफ्ट लेफ्ट में में पर अभिषेक अभिषेक आ जाएगा जो है वो है वो शरद के इमीडिएट ठीक है ये हो गया फिर उसके बाद जोसेफ इमीडिएट राइट में वसीम के वसीम के तुरंत राइट में जोसेफ है वो तो कहीं पे भी लिख सकते हैं विशाल इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वसीम विशाल इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ वसीम वो भी देखो सर कहीं भी आ सकता है अब क्या करें तो कुछ नहीं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको जोसेफ इज टू इमीडिएट राइट ऑफ वसीम तो सर जैसे मान लीजिए वसीम अगर मैंने यहां लिखा तो सर जोसेफ यहां पर आएगा लेकिन फिर विशाल थर्ड लेफ्ट में वसीम के होना चाहिए तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड यहां पर आ जाएगा विशाल बन तो जाएगा सर तो ये हो गया वसीम ये हो गया आपका जोसेफ और ये हो गया सर आपका आ, बोलो विशाल विशाल यस सर तो ये हो गया विशाल तो इस तरीके से अरेंजमेंट बना हुई सिटिंग बिटवीन जोसेफ एंड अभिषेक तो जोसेफ और अभिषेक के बीच में कौन बैठा है इधर से देखोगे तो विशाल और इधर से देखोगे तो ये दो लोग तो हम देख लेते हैं ऑप्शन तो विशाल दिया हुआ है यस सर ये सही हो जाएगा विशाल के साथ चले जाए ऑप्शन नंबर वन विशाल के साथ चले जाए विशाल के साथ चले जाए, जाए? यस सर हा हा अच्छा यहां पर ऑप्शन देखो कैसा दिया हुआ है एक सेकेंड जोसेफ और अभिषेक के बीच में विशाल है इधर वसीम और विशाल इधर वसीम और शरद वसीम अच्छा ऑप्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पर एक ऑप्शन जैसे ये है वैसे इसका अप्रूव एक सही ऑप्शन ये होना चाहिए था कि आइदर विशाल और वसीम एंड शरद ये होना चाहिए था इसका प्रॉपर ऑप्शन कि आइदर विशाल इनके बीच में है या या वसीम और शरद इनके बीच में है तो यहां इन्होंने ऑप्शन नंबर टू को आंसर किया है क्योंकि ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन के हिसाब से ये ज्यादा बेटर लग रहा है लेकिन यहां पर इधर वसीम एंड शरद होना चाहिए था एंड शरद भी होना चाहिए था है ना तो ये थोड़ा सा ऑप्शन मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं गलती है ये इक्वेशन देखो सर इसमें कोई दो साइन है जिनको आप इंटरचेंज करोगे आपस में और उसके बाद जो आउटपुट है सर वो ट्वेंटी नाइन निकल के आएगा कौन से दो साइन है जिनको आप आपस में बदलना चाहोगे उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ट्वेंटी नाइन आउटपुट निकल के आ जाए कौन से दो साइन है बेटा बताओ जल्दी से तो मुझे यहां पर आंसर्स मिल रहे हैं वन या टू में कंफ्यूजन चल रहा है वन या टू में कंफ्यूजन चल रहा है लेकिन आंसर वन है बेटा टू वाले बच्चे जो हैं, वो चेक कर लो आपसे कुछ गलती हो रही है प्लस uh, और मल्टीप्लाई को सर यहाँ पर इंटरचेंज करना है यानी कि सबसे पहले सात आ जाएगा फिर मल्टीप्लाई का इधर आ जाएगा तीन माइनस का आ जाएगा चौबीस बटे हो जाएगा छ यहाँ पर आ जाएगा प्लस उसके बाद है बारह और इससे आउटपुट निकल के आ जाएगा ट्वेंटी नाइन इससे आउटपुट निकल के आ जाएगा कितना इससे आउटपुट निकल के आ जाएगा 29 तो जरा इसको चेक कर लेते हैं तो सर ये देखो ये हो गया सिक्स फोर ज्वेंटी फोर ये होता है सेवन थ्री जॉ ट्वेंटी वन इक्कीस माइनस चार प्लस बारह ठीक है तो इक्कीस और बारह यहाँ पर कितना हो गया सर तैतीस हो गया तैतीस में से चार माइनस कर दीजिए उन्तीस आ जाएगा ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही था अगर आप ऑप्शन वाइज भी चेक कर रहे हो और आपको पहला ही ऑप्शन पुट करने पे आंसर मिल जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है मतलब आपकी जितनी भी पूजा अर्चना है पूजा अर्चना मतलब भगवान वाली पूजा अर्चना वो काम आ गई है है ना पूजा अर्चना आपकी काम आ गई है चलो अब आ जाओ यहां पर इस आकृति को हमें पूरा करना होगा सर इस आकृति को हमें पूरा करना होगा सर इस आकृति को हमें पूरा करना होगा सर ये दोनों सर्कल यहां हैं तो ये दोनों सर्कल सर यहां पर भी हमें इस तरीके से बनते हुए दिखाई देने चाहिए तो इस तरीके का इमेज जो हमको मिल रहा है वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर फोर में इस तरीके का इमेज जो हमें दिखाई दे रहा है सर वो दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर फोर में बोलो ठीक फोर होगा सर बिल्कुल फोर होगा आपने बिल्कुल सही कहा है ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है पांच ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी ई डिफरेंट वेट के हैं और यहाँ पर सबका वेट आपको बताया जा रहा है अलग अलग वेट है सबका आप अरेंज करिएगा और पता लगाइए कि हैवियस्ट कौन है इनमें सबसे हैवीएस्ट कौन है पता लगाइए सर सबसे हैवीएस्ट कौन है सर कैसे पता करेंगे बी जो है वो डबल है ई का तो सर बी जो है वो डबल है ई का ठीक है सर तो द वेट ऑफ सी इज थ्री टाइम दैट ऑफ ए ठीक है सर डी इज वेट इज फोर टाइम द वेट ऑफ सी ठीक है और द वेट ऑफ बी इज हाफ ऑफ डी तो सर इसमें आप मान सकते हो जैसे मान लीजिए आप डी डी मान लीजिए वन है तो बी इसका आधा हो जाएगा या सी के बारे में ज्यादा बताया गया है सी इज थ्री टाइम दैट ऑफ ए तो तो मान लेते हैं कि A हमारा one है. C is three time. C हमारा है, है? हो हो जाएगा, ठीक ये भी गया। का चार गुना फोर थ्री ट्वेल्व तो ये जो डी है सर ये बारह हो जाएगा ठीक है तो डी इज फोर टाइम सी ये भी हो गया और बी जो है बी जो है वो आधा है डी का तो बी जो है सर वो आधा है डी का डी का आधा है डी अगर बारह तो इसका आधा बी हमारा छ हो जाएगा और सबसे ऊपर बताया गया था कि बी जो है सर वो डबल है एका, एका डबल है तो डबल है ई ई ई का का तो हमारा कितना होगा 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 ई हमारा तभी तो इसका डबल ये तो इसका ये, ये बन गया पूरा सर आपसे पूछ रहा है कि हेवीएस्ट कौन है तो हमको लग रहा है सर हेवीएस्ट यहां है, पर हमारा डी होगा सर है ना हेवियस्ट कौन होगा सर हेवीएस्ट हमारा डी होगा जो हमें दिया है ऑप्शन नंबर थ्री में हमारा डी होगा जो हमें दिया ऑप्शन नंबर थ्री में अच्छा क्वेश्चन था बढ़िया नॉइस का कोड हमें दिया हुआ है और डॉर्मेंट का कोड हमसे पूछा जा रहा है नॉइस का कोड हमको दिया हुआ है का कोड हमसे पूछा जा रहा है बताइए नॉइस एन ओ आई एस ई तो नॉइस का कोड सर हमको दिया गया है फाइव नाइन वन फोर वन फाइव वन नाइन है ना तो नॉइस का कोड सर ये बन कैसे रहा है कैसे हुआ कैसे 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 हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ कि 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 सर ये इनकी प्लेस वैल्यूज आपको दिखाई दे रही होगी दिखाई दे रही है सर जैसे मान लीजिए है आखिरी में ई e पांच है ये हो गया लेकिन आई नाइन होता है नाइन इधर हो गया एन चौदह होता है पांच इधर होता है अलग तरीके का है लेकिन नंबर वही है प्लेस वैल्यूज सर यही है एन हमारा चौदह होता है ये देखिए चौदह है हा और ओ हमारा फाइव होता है तो ये देखिए फाइव है आई हमारा नाइन होता है तो ये देखिए नाइन है एस हमारा नाइनटीन है यहां पर ई e हमारा फिफ्टीन ई e हमारा फाइव है यहां पर सॉरी ई e हमारा फाइव है तो ये वन किसका है फिर ओ हो हो हो। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड ई e फाइव होता है सर तो ई e का इधर है और ओ का पंद्रह इधर है तो सर ये हुआ कैसे आप एक बात ध्यान से देखें अगर अपोजिट अपोजिट नहीं है इन्हीं की प्लेस वैल्यू है लेकिन कैसे लिखी हुई है सबसे पहले सबसे छोटे लेटर की प्लेस वैल्यू सबसे पहले सबसे छोटे लेटर की प्लेस वैल्यू सबसे पहले ई e की प्लेस वैल्यू देखिए फाइव लिखी हुई है फिर उससे बड़ा नंबर नौ है फिर उससे बड़ा नंबर चौदह है उससे बड़ा नंबर पंद्रह उससे बड़ा नंबर उन्नीस है नंबर बढ़ते हुए ऑर्डर में है तो डोरमेंट में सबसे छोटा लेटर है ए तो ए का वन आएगा सर वन हमें सब में दिया हुआ है फिर ए से बड़ा इसमें कौन है सर डी डी हमारा फोर होगा सर तो इसको छोड़ दीजिए बाकी सब में फोर दिया हुआ है सर ये भी हो गया सर फिर ए हो गया डी हो गया उसके बाद सर यहाँ पर क्या आएगा उसके बाद सर एम आएगा तेरह उसके बाद चौदह आएगा तेरह और चौदाह तेरह और चौदह ये हटा दो सर तेरह हमें सबसे पहले दिखाई देगा तेरह यहाँ भी है तेरह यहाँ भी है चौदह यहाँ भी है चौदह यहाँ भी है तेरह हो गया चौदह हो गया ठीक है फिर उसके बाद पंद्रह आएगा पंद्रह यहां भी है पंद्रह यहाँ भी है फिर उसके बाद आएगा हमारे पास अट्ठारह और उसके बाद बीस तो यहाँ तो देखो सर उन्नीस दिया हुआ है ये हटा दो सर तो अट्ठारह और उसके बाद बीस है आंसर इसका ऑप्शन नंबर फोर है अट्ठारह और बीस आंसर इसका ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है सर ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है अब एक बात बताओ मैं तो थक गया तुम लोगों को बोल बोल करके फटाफट से शेयर करो यार जल्दी से एक बार शेयर कीजिए वरना क्लास फिर हम यार बंद कर देंगे ज्यादा लंबा क्लास नहीं खींचेंगे फिर हम चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोग शेयर करते रहेंगे क्वीन का कोड आपको दे दिया है पिच का कोड आपसे पूछा जा रहा है क्वीन का कोड आपको दिया हुआ है हा? हा, सर सर क्वीन 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 का का कोड कोड कैसे बन रहा है सर? का ये बताइए तो क्वीन का कोड सर कैसे बन रहा है तो सर यहाँ टी है यहाँ आर है यहाँ पर बी है यहाँ पर बी है और यहाँ पर क्यू है तो क्यून का कोड कैसे बन रहा है सर तो अगर मैं लेटर टू लेटर ही अगर मैं ऐसे चेक करूं तो यहाँ पर सत्रह है यहाँ पर बीस है तो यहाँ पर तीन प्लस हुआ है इक्कीस है और अट्ठारह है माइनस तीन हुआ है ये देखो पांच से दो बन रहा है पांच से दो बन रहा है तो यहाँ भी माइनस तीन है यहाँ भी माइनस तीन है चौदह से सत्रह है चौदह पंद्रह सोलह सत्रह तो ये तीन प्लस है तो सर यहाँ पर हमने देखा कि या तो वोवेल है जिनमें माइनस कर रहे हैं या तो फिर बीच के तीन लेटर में माइनस कर रहे हैं किनारे किनारे पे प्लस कर रहे हैं ये दोनों में से कोई एक बात होगी तो सर इसमें प्लस थ्री करिए इसमें प्लस थ्री करिए सोलह तीन उन्नीस उन्नीस आना चाहिए यह हटा दो यह हटा दो सर आखिरी में आखिरी में भी प्लस तीन करेंगे आठ तीन ग्यारह ये तो दोनों में दिया हुआ है फिर सर आई है अगर इसमें माइनस थ्री करते हैं तो नौ में से तीन जाएगा तो बचेगा सर नौ में से तीन जाएगा तो छ बचेगा सर ऑप्शन नंबर फोर ऑप्शन नंबर फोर यस ये हमारा करेक्ट आंसर है शाबाश बच्चों नेक्स्ट सर देखो क्लॉट का कोड दिया है मोजैक का कोड पूछा जा रहा है क्लॉट का कोड ये कैसे बन रहा होगा क्लॉट का कोड कैसे बन रहा है बहुत सिंपल है देख के ही समझ में आ गया प्लेस वैल्यूज अगर आपको याद हैं तो आपका आधा काम तो ऐसे ही आसान हो जाता है अगर आपको प्लेस वैल्यूज याद है तो आपका काम तो वैसे ही आसान हो जाता है चलिए भाई बताइए देखिए सी हमारा थ्री होता है थ्री का डबल तीन का दो गुना 6, l हमारा बारह होता है दो गुना करोगे चौबीस ओ हमारा पंद्रह होता है दो गुना करोगे तीस टी ती हमारा ट्वेंटी होता है दो गुना करोगे चालीस हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू का दो गुना किया गया है हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू का टू टाइम किया गया है जैसे एम एम होता है तेरह दो गुना छब्बीस होगा सर ये हटा दीजिए सब में छब्बीस दिया है छब्बीस यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है ओ पंद्रह होता है सर दो गुना कर दीजिए तीस होगा सर यहाँ भी है तीस यहां भी है यहां पर बत्तीस दिया हुआ है ये हटा दीजिए एस होता है उन्नीस उन्नीस का दो गुना अड़तीस होता है यहां भी है यहां भी है एक का दो गुना होता है दो ही रहेगा तो सर दो यहां भी है यहां भी है नौ का दो गुना अठारह होता है सर यहां पर है यहां पर बीस दिया हुआ है ये हटा दीजिए आंसर इसका ऑप्शन नंबर वन है ठीक है ठीक ऑप्शन नंबर वन आंसर है अगला क्वेश्चन सर ये क्या करना है एम्बेडेड फिगर इनमें से कौन सा ऑप्शन इमेज यहां पर छुपा हुआ आपको दिखाई दे रहा है इनमें से वो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन इमेज है जो यहां आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा होगा बताओ भाई जल्दी जल्दी करो यार फटाफट से रुकना नहीं है थकना नहीं है भाई रुकना नहीं है थकना नहीं है ठीक है फटाफट से करिए दो 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 दो। कौन सा ऑप्शन इमेज यहां आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन इमेज आपको यहाँ पर छुपा हुआ दिखाई दे रहा है क्या बात है बिल्कुल सी एच एस एल और एम टी एस दोनों के मिक्स लेवल का क्वेश्चन है बेटा सारे क्वेश्चन तुम अगर तुम सी एच एल का पेपर देने जा रहे हो या सी एच एस एल की तैयारी कर रहे हो ये सेशन तुम्हारे काम का है ये सारे क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत बेहतरीन है और एम टी एस का अगर देने जा रहे हो तब तो आपके लिए है ही ये सेशन ठीक है तो सर ये आपको ऑप्शन नंबर वन इसमें छुपा हुआ दिखाई दे रहा होगा इसमें कोई बहुत ज्यादा ऑप्शन नंबर वन नहीं है इसमें क्या बताना है विच इज नॉट एम्बेडेड क्या बताना है विच इज नॉट एम्बेडेड नहीं विच इज एम्बेडेड क्या आंसर कर रहे हो आप लोग टू थ्री टू थ्री कर रहे हो आंसर अच्छा नहीं है सर ऑप्शन नंबर वन नहीं है क्यों क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ये ऊपर की तरफ देख रहे हैं इसमें ट्राइंगल नीचे की तरफ देख रहे हैं ये नहीं था सर आपने जज्बाती होकर आपने आंसर दे दिया चलो अच्छा दूसरा है अब तो आंसर दिख गया हमें तो दूसरा होना चाहिए दूसरा होना चाहिए सर दूसरा होना चाहिए सर दूसरा कहाँ दिख रहा है सर ये देखिए सर ये है ये है ये लाइन है ये लाइन है इस तरीके से आपको दिखाई दे रही होगी है ना? ये लाइन यहां पर इस तरीके से है ठीक है ये इस तरीके से ये इस तरीके से है और नीचे आपको ये यहां पर दिखाई दे रहा है तो ये बन गया सर ऑप्शन नंबर टू में ठीक है यस सर चलिए बहुत बढ़िया पांच से अगर हम बना रहे हैं सिक्सटी वन तो आठ से क्या बना देंगे पांच से इकसठ कैसे बन रहा है पांच से सिक्सटी वन कैसे बन सकता है पांच का दो गुना पांच का दो गुना नहीं नहीं हाँ पांच के दो गुने करते हैं फाइव नहीं सर ऐसा नहीं बनेगा स्क्वायर या क्यूब स्क्वायर क्यूब तो ज्यादा हो जाएगा 141 और 145 ये दो आंसर हमें मिल रहे हैं चैट बॉक्स में आइए देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा तो सर यहां पर देखिए पाँच का स्क्वायर होता है 25 पाँच का स्क्वायर होता है 25 लेकिन हमें बनाना है इकसठ कितना कम है 11 में से पाँच जाएगा छः और पाँच में से दो जाएगा तीन छत्तीस कम है छत्तीस छ का स्क्वायर होता है तो सर ये हम बोल सकते हैं कि पांच अगर यहां लिखा है तो अगला नंबर जो है वो पांच का स्क्वायर और प्लस छह का स्क्वायर है तो पहले जो है फाइव लिखा है और उसके बाद जो आएगा वो पांच का स्क्वायर और छ का स्क्वायर का एडिशन आएगा पांच का स्क्वायर और छ का स्क्वायर उसी तरह सर आठ अगर आपको दिया हुआ है तो आठ के बाद क्या आएगा आठ के बाद आठ का स्क्वायर प्लस नौ का स्क्वायर आएगा आठ का स्क्वायर और प्लस नौ का स्क्वायर आएगा तो एट एटा सिक्सटी फोर होता है नाइन नाइन जटी वन होता है तो चार एक पांच आठ छ चौदह एक सौ पैतालीस आएगा बेटा एक सौ इकतालीस नहीं आएगा एक सौ इकतालीस वाले बच्चे जो हैं नहीं हाँ आंसर आएगा ऑप्शन नंबर वन ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है वेल well डन बच्चों बहुत बढ़िया बहुत अच्छे अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको सर यहाँ पर सीरीज चल रही है पहले से दूसरे इमेज में देखिए क्या क्या परिवर्तन हुए हैं दूसरे से तीसरे में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं तीसरे से चौथे में क्या क्या परिवर्तन हुए और वही परिवर्तन आपको आखिरी दिखाई देगा आखिरी में बताइए आखिरी में कैसा बनता हुआ दिखाई देगा सर तो सर ये तीन तीन छह तीन नौ नौ स्क्वायर हैं नौ स्क्वायर तो सर आपको भी यहां पर बनते हुए दिखाई देने चाहिए नो स्क्वायर तो आपको यहां पर भी बनते हुए दिखाई देने चाहिए नौ स्क्वायर तो आपको भी यहाँ पर बनते हुए दिखाई देने चाहिए है ना फिर सर देखो डॉट यहां पर है वो सबसे लास्ट में आ गया फिर उसके बाद नीचे आ गया फिर आ गया ये डॉट जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो अब इसको यहाँ पे आना चाहिए ये वाला जो है ये नीचे की तरफ आया फिर ये वापस नीचे आया फिर ये ऊपर आया अब इसको दूसरी पोजीशन पे होना चाहिए ये देखो बन गया सर अब ये आपको कहीं दिखाई दे रहा है तो पकड़ लो उसको ऑप्शन नंबर फोर में दिख रहा है सर बोलिए ऑप्शन नंबर फोर इसका करेक्ट आंसर है मचाते रहो एकदम बहुत बढ़िया चल रहा है मीटर अगर मिलीमीटर से रिलेटेड है तो किलोग्राम किससे रिलेटेड होगा मीटर अगर मिलीमीटर से तो मीटर यूनिट यूनिट है उससे छोटा क्या हो गया मिलीमीटर किलोग्राम अगर है तो उसका छोटा यूनिट क्या होगा क्विंटल पाउंड ग्राम या वेट तो सर ग्राम हो जाएगा किलोग्राम का क्या हो जाएगा ग्राम हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री बहुत बढ़िया बच्चों शाबाश बने रहो मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कल मैंने कहीं पढ़ा था ये तो मुझे बहुत बढ़िया लगा था बहुत सही बात है कि जो छह घंटे जो बच्चे लोग हैं ना जो तैयारी कर रहे हैं जो इस एज में हैं जिनको आगे अपना करियर बनाना है वो छह घंटे अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं दिन के तो वो आगे बारह बारह घंटे के लिए मजदूरी करने के लिए तैयार रहें ये माइंड मेकअप करके रहिए क्योंकि देखो जीवन में जीना है समाज तुम्हें जीने नहीं देगा खाली बैठ के तुम खा नहीं पाओगे ऐसा कुछ है नहीं सिस्टम तुम्हें काम करना ही पड़ेगा और काम करना ही पड़ेगा जब तुम बाहर निकलोगे तो पता चलेगा कि यहाँ तो बारह बारह तेरह तेरह घंटे काम करना है तब जा करके पैसा मिलेगा तब तुम्हारी आंखें खुलेंगी तो इसीलिए अभी से हम बता रहे हैं आपको कि जो बच्चे छह घंटे नहीं आज पढ़ पा रहे हैं वो आगे जाकर के बारह बारह घंटे मजदूरी करने के लिए तैयार रहे ये माइंड मेकअप बना के चलिए आप ये सच्चाई है इस देश की आबादी इतनी है इस देश की आबादी इतनी है कि लेबर की बहुत ज्यादा जरूरत है लेबर क्लास की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको ये डिसाइड करना है कि आप कहां पे रहना चाहते हैं चलो जानवी बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा यहाँ पर कोई दो नंबर आप आपस में बदल दीजिए और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करके देखिए कि 158 आ जाए 158 लाने के लिए कौन से दो नंबर को आप आपस में बदलोगे 158 लाने के लिए कौन से दो नंबर को आप आपस में बदलोगे बेटा बताओ 158 लाने के लिए कौन से दो नंबर को आप आपस में बदलोगे पढ़ते रहो इसीलिए कह रहे हैं पढ़ो पढ़ाई पे ध्यान दो जो लोग पढ़ने भी नहीं देते हैं देखो भाई जीवन में जैसे मान लो कि एक बच्चा इस दुनिया में आया ये एक बच्चा है ये इस दुनिया में आया अब ये अपने जीवन में क्या क्या कर सकता है ये एकदम कोरा कागज है, है ना ये एकदम कोरा कागज है हालांकि इसकी कुछ ये कैसा इंसान बनेगा इसको नहीं पता इसको बनाया जाएगा ये एक बच्चा इस जीवन में आता है इसको बनाया जाएगा ये कैसा बनेगा आगे जाकर के ये बहुत सारी बातों पर निर्भर करता है ये किस घर में पैदा हुआ है है ना वो जो व्यक्ति है ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये किस घर में पैदा हुआ है उस तरीके के संस्कार इसके अंदर जाएंगे तो ये वैसा व्यक्ति बनेगा फिर है ना धर्म के हिसाब से भी है ना समाज के हिसाब से भी सोसाइटी के हिसाब से भी ठीक है उसके बाद इसका माइंडसेट कैसा बना दिया जाएगा इसका माइंड सेट कैसा बना दिया जाएगा इसके ऊपर निर्भर करेगा इसका पूरा जीवन मतलब जब ये बच्चा होगा तो इसके दिमाग में बहुत सारी बातें डाली जा रही होंगी कि क्या पॉसिबल है क्या पॉसिबल नहीं है क्या होता है इस दुनिया में क्या नहीं होता है अपने आप थोड़ा ना पता चलता है या तो आपको एक्सपीरियंस से पता चलेगा या आपके दिमाग में पहले से डाल दिया जाएगा तो इसके माइंड सेट को जैसा बना दिया जाएगा जैसा इसका माइंड सेट हो जाएगा वैसे इसका जीवन बन जाएगा अब माइंडसेट सर कैसे बनेगा इसका माइंडसेट क्या होगा तो ये बहुत सारी बातों पे निर्भर करेगा एक तो इसके परिवार वाले जो इसको सिखाएंगे ठीक दूसरा इसके साथ के आसपास वाले जितने लोग होंगे जिस तरीके के इसके आसपास के सारे लोग होंगे उसी तरीके का इसका माइंड बनेगा ठीक है उसी तरीके का इसका माइंड बनेगा जैसे एक हाथी है एक हाथी का छोटा सा बच्चा है ठीक है उसको जो है बांध करके रखा जा रहा है बचपन में मोटी सी चेन से ठीक है और एक पेड़ से बांध दिया गया है उसको या एक खंबे से बांध दिया गया उसको वो पूरे बचपन में अपने कोशिश करेगा क्योंकि हर इंसान जो है आजाद होना चाहता है तो पूरी कोशिश करेगा वो कि आजाद हो जाए लेकिन अभी वो वो छोटा है तो वो उस चेन को तोड़ नहीं पा रहा है अब वो उस चेन को तोड़ नहीं पा रहा कोशिश बहुत कर रहा है एक बार प्रयास किया दो बार किया तीन बार किया चार बार किया उसके बाद उसने हार मान ली तो मतलब उसने अपने दिमाग में ये चीज फिक्स कर ली है कि ये पॉसिबल नहीं है फिर उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता जाएगा और अब आपको पता है जब एक मेच्योर हाथी होगा जो एक पेड़ को भी उखाड़ सकता है लेकिन तब भी जो उसका महावत होता है वो उसको केवल एक पतली रस्सी से ही बांध करके रखता है पतली रस्सी से ही बांध करके रखा जाता है अब उसको पता है महावत को पता है कि ये तो तोड़ सकता है कुछ भी कर सकता है लेकिन हाथी को नहीं पता है कि वो तोड़ सकता है हाथी को नहीं पता है, वो वैसे ही रहेगा क्योंकि उसका माइंडसेट बन चुका है तो इट्स ऑल अबाउट माइंड सेट है ना कि कैसे आप सोचते हो ये सारी बातों पे ध्यान इस पे जाता है तो माइंडसेट अपना जो है वो उस पर जरूर ध्यान दो कि आपका माइंडसेट कैसा बनता जा रहा है और ये आपके आस पास के लोगों के ऊपर काफी निर्भर करेगा तो अपने साथ अच्छे लोगों को रखो जैसा आप बनना चाहते हो वैसी संगति करो तो यहां पर आंसर क्या मिला है भाई हम्म आंसर इसका है ऑप्शन नंबर टू बच्चे कह रहे हैं कि सर बारह और तीन बारह और तीन को अगर आप इंटरचेंज कर देते हो बारह यहाँ रख दोगे तो ट्वेंटी फोर ट्वेल्व से डिवाइड भी हो जाएगा और उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो वन फिफ्टी एट निकल के आ जाएगा सर यहाँ पर ये जो एक चौथाई हिस्सा है ये बताइए कौन सा होगा ये जो एक चौथाई हिस्सा है सर ये कौन सा होगा बताइए जल्दी से फोर होगा बच्चे कह रहे हैं सर फोर होगा तो सर यहाँ तो पहले ही एक स्क्वायर बनता हुआ कंप्लीट होगा ठीक है जो आपको दिखाई देगा किस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन है ये स्ट्रेट लाइन इस तरीके से है ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये एक ऐसे लाइन बन रही है ठीक है ये कैसे लाइन बन रही है और ये ऐसे लाइन बनी है दूसरा आपका ये इस तरीके से यूं इस तरीके से जाती हुई आपको दिखाई देगी ठीक है बाकी पर फोर में इमेज आपको बनती हुई दिखाई दे रही। ये आपका करेक्ट आंसर होगा बहुत बढ़िया हाँ बच्चों आगे बढ़ते हैं सर गोल्फ का रिलेशन अगर कोर्स से है गोल्फ का रिलेशन अगर बेटा कोर्स से दिया गया है तो बॉक्सिंग का रिलेशन किससे होगा गोल्फ अगर कोर्स से रिलेटेड है तो मुक्केबाजी किससे संबंधित होगी हाँ जानवी मिल सकते हैं बिल्कुल मिल सकते हैं जानवी तो गोल्फ आप कहाँ खेलने जाओगे कोर्स में जाओगे गोल्फ कोर्स में आप गोल्फ खेलते हो मुक्केबाजी करने के लिए कहाँ जाओगे अरे सर हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं हमें जहां मिलता है देते हैं है ना नहीं नहीं, नहीं। हम बात कर रहे हैं गेम की तो बॉक्सिंग जो गेम होता है वो कहाँ पर होता है तो सर वो रिंग में खेला जाता है बॉक्सिंग रिंग होता है आपने सुना होगा बॉक्सिंग रिंग में खिलाड़ी भिड़ गए ऐसा हो गया वैसा हो गया तो रिंग इसका आंसर होगा सर यहाँ पर ठीक रिंग इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है आगे की तरफ बढ़िए अब यहां पर बताइए कि इसमें कौन सा इमेज छुपा हुआ है इसमें ये चार में से कौन सा इमेज इसमें छुपा हुआ है बोलो 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 रिंग रिंग रिंगा जल्दी जल्दी बताओ कौन से ऑप्शन में ये इमेज आपको छुपा हुआ दिखाई दे रहा है तो सर अगर मैं ऑप्शन नंबर वन की बात करूं अगर मैं ऑप्शन नंबर वन की बात करूं तो ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर वन देखिए कितना प्यारा सा ऑप्शन नंबर तीन कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं दो स्टेटमेंट है और जिससे तीन कंक्लूजन पूछे जा रहे हैं दो स्टेटमेंट है तीन कंक्लूजन है निपटाते चलो बेटा दो स्टेटमेंट तीन कंक्लूजन निपटाओ जल्दी से कुछ रैकेट जो है वो बैट है तो कुछ रैकेट जो हैं सर वो क्या हैं बैट हैं और सभी बैट जो हैं वो स्टिक हैं कुछ रैकेट जो है वो बैट हैं सर कुछ रैकेट बैट हैं सभी बैट स्टिक है कंक्लूजन देखिए क्या सभी रैकेट स्टिक हैं नहीं सर कुछ रैकेट स्टिक हैं कुछ रैकेट स्टिक है क्या सभी रैकेट स्टिक स्टिक है नहीं सर हटाइए सम रैकेट आर नॉट स्टिक कुछ रैकेट स्टिक नहीं है नहीं सर ये भी कांड से कह नहीं सकते अच्छा कुछ स्टिक क्या रैकेट है यस सर ये बिल्कुल सही बात है ये बिल्कुल सही बात है कुछ रैके, रैकेट हमारे स्टिक होंगे आईधर और कहीं ऑप्शन में है नहीं ओनली थर्ड के साथ हम जा सकते हैं आंसर बी, थ्री बी, थ्री बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।, बहुत बढ़िया। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समा निर्विघन देव सर्व कारेश सर्वदा आंसर ऑप्शन नंबर टू बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन पांच लोग हैं सर देखिए क्या कर रहे हैं रूप से उत्तर और दक्षिण दिशा में सम्मुख एक बेंच पर बैठे हैं मतलब एक नॉर्थ देख रहा होगा तो पड़ोसी साउथ देख रहा होगा फिर नॉर्थ फिर साउथ फिर नॉर्थ फिर साउथ इस तरीके से चल रहा होगा बताओ अश्वनी कुमार पांडे कहा इतना रो रहे हो तब से तो यहां आपसे कह रहा है कि आर इज सिटिंग एट दी लेफ्ट कॉर्नर एंड फेसिंग नॉर्थ तो देखिए आर्थ लेफ्ट कॉर्नर पर है नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है तो पड़ोसी साउथ देखेगा फिर पड़ोसी नॉर्थ देखेगा फिर पड़ोसी साउथ देखेगा फिर पड़ोसी नॉर्थ देखेगा है ना ऑल्टरनेट था हमें पता चल गया आर का हमें पता है वो नॉर्थ देख रहा है फिर कहता है कि टी सेकंड टू दी राइट ऑफ आर तो टी यहां लिख दीजिए आर के सेकंड राइट right में हो जाएगा इफ पी इज थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू पी थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ क्यू यानी कि P और Q के बीच में दो लोगों का गैप है P और Q के बीच में दो लोगों का गैप है है ना इज थर्ड टू लेफ्ट ऑफ क्यू क्यू के लेफ्ट में थर्ड नंबर पे पी है क्यू यहां लिखो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नंबर पे पी यहां आ जाएगा लेकिन अगर मैंने क्यू यहां पर लिखा है ना तो क्यू का राइट right इधर है क्योंकि लेफ्ट में इधर भी हम जा सकते हैं पी यहाँ पे आ सकता है क्यूँ पी ये दोनों आईधर और हैं तो देखो बेटा पी और क्यू का आइदर और बनेगा यहां पर क्योंकि एक नॉर्थ देख रहा है एक साउथ देख रहा है और बचेगा एस तो एस तो यहीं पर आएगा कन्फर्म है एस तो बेटा यहीं पर ही आएगा और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज पोजिशन ऑफ एस तो एस जो है सर वो राइट right से दूसरे नंबर पर है है ना क्या पूछ रहा है सेटिंग ऑफ ऑफ फेसिंग साउथ एंड राइट ये तो सही बात है सर फेसिंग साउथ एंड राइट ऑफ टी ये तो बिल्कुल सही बात है ए के साथ चले जाएं बोलो यस सर एक साथ जा सकते हैं बहुत बहुत बढ़िया बेटा ये देखिए सर इसका मिरर इमेज इसका मिरर अगर रख दिया जाएगा राइट right साइड में राइट right साइड में यहां अगर आप एक मिरर प्लेस करते हो यहां अगर आप एक मिरर प्लेस करते हो तो इस मिरर पे रिफ्लेक्शन कैसा दिखाई देगा यहाँ पे अगर आप एक मिरर रखते हो तो मिरर पर रिफ्लेक्शन कैसा दिखेगा सर ये एरो जा रहा है किधर मान लीजिए लेफ्ट की तरफ तो ये जाएगा राइट right की तरफ यही एरो राइट right की तरफ जाता हुआ दिखना चाहिए सर ये तो सर बिल्कुल ही गलत है ये भी सर गलत है इन दोनों में देखो इन दोनों में देखो तो सर यहाँ पर दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा तो सर ये जो ओवल शेप जैसा है है ना ओवल शेप है इसको ऐसे दबाया गया है ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री ऑप्शन नंबर थ्री सर ऑप्शन नंबर थ्री इसका करेक्ट आंसर शाबाश बच्चों बहुत बढ़िया अगला क्वेश्चन दिखाइए सर अगले क्वेश्चन को क्या दिखाएं सर आंसर दिख गया है पर आप बताइए चलिए ये देखिए एटी फोर ट्वेंटी वन का जो रिलेशन है वैसा ही सेम रिलेशन आपको किस में दिखाई दे रहा है अब आपको आंसर दिख गया तो आप कह दोगे कि सर आंसर टू है ऑप्शन नंबर बी है ऑप्शन नंबर बी है है ना चलिए लॉजिक बताइए आंसर दिख गया कोई बात नहीं लॉजिक बताइए मुझे जो भी सॉल्व कर रहा है भैया मुझे लॉजिक बता दो क्या लॉजिक है इसमें जो भी हमारा बच्चा है सोना बाबू है जल्दी से मुझे बता दे कि यहाँ पर क्या लॉजिक होना चाहिए अब देखिए सर ये 84 है ये सर 21 है ठीक है 84 और 21 से क्या हो रहा है यहाँ पर 84 का अपॉन फोर कर दीजिए सर 84 का अपॉन फोर कर दीजिए तो सर ये क्या मिलेगा फोर टू जी एट फोर वन ज़ा फोर ट्वेंटी मिलेगा 21 वन यहाँ पर दिया हुआ है अभी एटी फोर है और इसको फोर से डिवाइड किया गया क्योंकि यहाँ पर एटी फोर जो है उसमें 8 और 4 का अगर आप तो तो डिफरेंस तो 65 65 निकाला तो एक आया है सर और एक से डिवाइड करोगे तो सिक्सटी ही आएगा एक से डिवाइड करोगे तो सर सिक्सटी ही आएगा सिक्सटी फाइव को आपने डिवाइड किया है सर किससे वन से वन से क्यों किया है क्योंकि सिक्स और फाइव का डिफरेंस आएगा वन और वन से है सर, इस को आपने आधा फोल्ड किया है लेफ्ट की, की तरफ फिर आप आधा मोड़ देते हो सर नीचे राइट right की तरफ और उसके बाद उसमें ये इस तरीके से कट कर देते हो सर तो एक ये सर्कल क्या एक ऐसा कट है सर, ये एक ऐसा कट है और एक ये कट है सर ठीक है अब जब आप इस पेपर को खोलोगे तो ये कट आपको कहां कहां दिखाई देंगे तो अब अब आपको ये कट कहां कहां दिखाई देंगे जब आप पेपर को खोलोगे तो से सर्कल आपको यहां पर एक दिखाई देगा एक सर्कल आपको यहां दिखाई देगा एक सर्कल आपको तो यहां दिखाई देगा एक सर्कल आपको यहां दिखाई देगा ठीक है ये इस तरीके से चार सर्कल दिखेंगे चार सर्कल जो है वो ऑप्शन नंबर टू में नहीं है ऑप्शन नंबर फोर में नहीं है बाकी सब में दिखाई दे रहे हैं और ये जो ट्राइंगल है वो ट्राइंगल आपको इसमें भी नहीं दिखाई दे रहा है ये भी गलत है तो सर सही आंसर ऑप्शन नंबर वन में दिया हुआ है सही है ऑप्शन नंबर वन इसका करेक्ट आंसर है अगला क्वेश्चन है सर यहां पर ऑप्शन नंबर वन गिवन आंसर है ठीक है चलो आगे बढ़ते हेक्टर का कोड आपको दिया गया है मोनार का कोड आपको दिया गया है ओपिनियन का कोड आपसे पूछा जा रहा है बोलो हेक्टर हेक्टर का कोड सर क्या है सर यहां पर आठ है यहां पर पांच है यहां पर तीन है यहां पर दो है यहां पर एक है यहां पर नौ है और यहां पर पांच है ठीक है ये हेक्टर का कोड है मुनार का भी कोड आपको दिया गया है अपीनियन अपीनियन का कोड आपसे पूछा जा रहा है ठीक है ओपिनियन का कोड सर आपसे पूछा जा रहा है बता दीजिए अपिनियन का कोड क्या होगा हेक्टर का कोड आपको दिया है ओपिनियन का कोड आपसे पूछा जा रहा है हाँ जी जैसे h की प्लेस वैल्यू आठ होती है तो सर ये आठ है e की प्लेस वैल्यू फाइव होती है तो सर ये फाइव है c हमारा थ्री होता है तो सर ये थ्री है अब t हमारा ट्वेंटी होता है तो टू प्लस जीरो टू हो जाएगा तो सर ये देखिए टू हो गया a हमारा वन है तो सर ये देखिए वन हो गया r हमारा अट्ठारह है तो आठ और एक नौ होता है तो नौ हो जाएगा e हमारा फाइव है तो सर ये फाइव हो जाएगा तो हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू ही लिखी गई है और जिसकी प्लेस वैल्यू टू डिजिट में है उसको एड करके वन डिजिट में कन्वर्ट किया गया है अब जैसे सर अपिनियन है अपीनियन में ओ हमारा सर देखिए पंद्रह है पी हमारा सोलह है आई हमारा नाइन है एन हमारा फोर्टीन है फिर से आई नाइन है फिर से ओ हमारा पंद्रह और एन हमारा है तो पंद्रह अगर है तो पांच और एक क्या हो जाएगा सर छ हो जाएगा सोलह है तो और एक क्या हो जाएगा सात हो जाएगा नौ की जगह नौ ही रहेगा चौदह से चार और एक पांच बन जाएगा नौ की जगह नौ ही रहेगा पंद्रह की जगह पांच और एक छ हो जाएगा चौदह की जगह चार और एक पांच हो जाएगा सर तो ये बनेगा नंबर छ सात नौ पांच नौ छ पांच ये आपके पास आंसर होगा ठीक है सिक्स सेवन नाइन फाइव नाइन सिक्स फाइव आंसर ऑप्शन नंबर फोर में दिया हुआ है सर 2 और इंटरचेंज अगर इंटरचेंज करने हैं उसके बाद इक्वेशन करें, तो तो सॉल्व करेंगे तो चलो ये वाला क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ये बच्चे जो है हमारे ये वाला करो सर चार लड़कियां हैं चार लड़के हैं एक राउंड टेबल पर बैठे हुए हैं चार लड़कियां चार लड़के गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं चार लड़कियां चार लड़के गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं टोटल आठ लोग हैं सर तो आठ लोगों का मतलब एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये आठ लोग हैं जो गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं सर केंद्र की ओर देख रहे हैं केंद्र की ओर देख रहे हैं सर यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार पाँच छ सात ठीक है ये हो गया आठ ये टोटल आठ लोग हैं सर गोल मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं नो टू टू गर्ल्स और बॉयज आर सिटिंग नेक्स्ट ईच अदर कोई भी दो लड़कियां या दो लड़के अगल बगल नहीं बैठे हैं कोई भी दो लड़कियां या दो लड़के अगल बगल नहीं बैठे हैं पहला कह रहा है कि क्यू होगा तो कहीं पर भी बी लिखो जैसे मान लीजिए यहां पर लिखा जिसके इमीडिएट लेफ्ट में क्यू होगा तो क्यू जो है वो इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएगा बी के फिर आपसे कह रहा है कि एस इज सिटिंग एस इज सिटिंग बिटवीन ए एंड डी एंड फेसिंग आर तो एस जो है नो टू गर्ल्स और एस आर तो को फेस कर रहा है तो एस यहां लिख करके आर को फेस कर सकता है यहां पर लिख करके यहां फेस करता है ये दोनों पोजीशन तो कैंसिल कर दीजिए क्योंकि इसके सामने बी है और इसके सामने क्यू है

एस जो है वो ए और डी के बीच में है इन दोनों में से आईदर और मान लेते हैं कि हम यहाँ पर एक्टीशन और 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 में ले लेते हैं सर तो A A अच्छा लेकिन इसमें एक कंडीशन दी गई है यहां पे लड़कियां हमको पता है कि लड़कियां कौन है सर ए बी सी डी ए बी सी डी हमारी लड़कियां हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अगल बगल नहीं होनी चाहिए क्योंकि कोई भी दो लड़कियां और कोई भी दो लड़के अगल बगल नहीं बैठे हैं तो सर अगर हम यहाँ पर देखें तो ए और डी दोनों लड़कियां हैं ये आ सकते हैं यहां पर कोई दिक्कत नहीं है और बच कौन रहा है हमारे पास कौन बच रहा है पी बच रहा है और पी बच रहा है पी क्यू आर एस ना पी क्यू आर एस सी बच रहा है पी और सी बच रहा है सर पी और सी बच रहा है सर पी और सी तो मान लीजिए पी और सी ऑब्लिक में पी और सी ऑब्लिक में लेकिन अब देखो यहाँ पर बात यह है कि आर क्या है आर एक लड़का है तो उसके बगल में आर क्या है एक लड़का है? तो उसके बगल में लड़का नहीं आ सकता तो यहाँ पी नहीं होगा यहाँ पी नहीं होगा तो कौन हो जाएगा सी हो जाएगा यहाँ पी नहीं होगा तो यहाँ कौन हो जाएगा सी हो जाएगा और यहाँ पर कौन आ जाएगा पी आ जाएगा ठीक है और देख लो बस हु इज सिटिंग बिटवीन पी एंड आर तो सर पी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है ये चीज यहाँ पर अगर हमें देखो कन्फर्म मिल रही है सी बैठा हुआ है सी बैठा हुआ है पी और आर के बीच में कौन बैठा हुआ है सर सी बैठा हुआ है सी यानी कि ऑप्शन नंबर फोर सी यानी ऑप्शन नंबर फोर ये हमारा करेक्ट आंसर है ठीक है स्पाइक का कोड दिया है जिंगो का कोड पूछ रहा है स्पाइक एस पी आई के ई स्पाइक का कोड हमें क्यू आर एच डी एल में दिया गया है स्पाइक का कोड और हमसे पूछ रहा है जिंगो का कोड क्या होगा जिंगो का कोड क्या होगा स्पाइक का कोड पूछ रहा है जिंगो का कोड हमको स्पाइक uh, का दिया हुआ है जिंगो का कोड हमसे पूछ रहा है चलो बता लगाओ भाई ये इस इस तरीके से क्रॉस होता हुआ, तरह एच है तो यहाँ पर माइनस वन, e वन, वन है तो ये लॉजिक है सर इसका पूरा पूरा ठीक है और वही लॉजिक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा सर वही लॉजिक आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा आइए देखते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमें प्लस वन करना है तो नौ और एक दस यानी कि जे होना चाहिए यहां माइनस वन करेंगे तो दस में से एक जाएगा नौ यानी कि आई आना चाहिए जे के बाद आई आना चाहिए यह हटा दो ये हटा दो ये हटा दो जे के बाद आई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है जे के बाद आई दिया हुआ है, वन में। करते हुए ठीक है बेटा क्रॉस करते हुए दो दो लेटर के पेयर बनाओ क्रॉस करो ये नंबर सीरीज है सर तीन से सात है सात से बाईस बाई है बाईस से पैंतालीस है पैंतालीस से एक सौ छत्तीस फिर एक कोई नंबर फिर उसके बाद आठ सौ बीस है तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर सर क्या नंबर आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर सर क्या नंबर आएगा बताइए नंबर बढ़ाते चलिए सर तीन से सात से बाईस से पैंतालीस एक सौ छत्तीस अगला नंबर क्या आएगा सोचो तीन से सात सर कैसे बनेगा तीन का दो गुना करिए फिर एक प्लस कर दीजिए तो बन जाएगा सात थ्री टू झा सिक्स प्लस वन सेवन सात का सर तीन गुना करिए. ती ती कर दीजिए तो सर टू मिल जाएगा. ठीक है ट्वेंटी टू भी है ट्वेंटी टू से टू टाइम करिए ट्वेंटी टू फोर्टी फोर हो जाएगा प्लस वन कर दीजिए फोर्टी फाइव आ जाएगा सर दो गुना करिए प्लस एक करिए तीन गुना करिए प्लस एक करिए फिर से दो गुना करिए प्लस एक करिए फिर से तीन गुना करिए प्लस एक करिए तीन गुना करके प्लस एक करेंगे एक सौ छत्तीस मिलेगा ठीक है फिर एक सौ छत्तीस का दो गुना करिए फिर उसके बाद प्लस वन करिएसौ छत्तीस का दो गुना करिए फिर प्लस वन करिए सिक्स सेवन टू वन जू तो यहाँ पे आ जाएगा टू सेवेंटी थ्री टू सेवनटी थ्री हमारा आंसर आएगा टू सेवेंटी थ्री ऑप्शन नंबर वन में टू सेवन थ्री ऑप्शन नंबर वन ये हमारा करेक्ट आंसर है थ्री ऑप्शन नंबर वन ठीक है चलिए तो यहां पर आपको कह रहा है कि वाटर का रिलेशन अगर फिल्टर से है तो फिल्म का रिलेशन किससे होगा वाटर का रिलेशन अगर फिल्टर से है तो फिल्म का रिलेशन किससे होगा जैसे वाटर को क्या करते हो आप फिल्टर करते हो उसी तरह फिल्म को फिल्टर करने का मतलब क्या होगा कास्टिंग प्रोड्यूसर डायरेक्टर या सेंसर तो सेंसर होगा सेंसर होना चाहिए बोलो ऑप्शन नंबर फोर जल्दी 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 ऑप्शन नंबर फोर सेंसर ठीक है तीन तीन लेटर सर दिए गए हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन से तीन लेटर आएंगे बताओ क्वेश्चन मार्क की जगह पर सर कौन से तीन लेटर आने चाहिए लेटर सीरीज है बढ़ते हुए ऑर्डर में है बढ़ते हुए ऑर्डर में है सर दो दो से आठ हो गया यानी कि टू फोर झा एट और फोर फोर झा सिक्सटीन सोलह का चार गुना करोगे तो फिर उसके बाद हमें वी मिल जाएगा या फिर चार चार आठ 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 का दो गुना सोलह सोलह और सोलह से बाईस यहाँ तो छ प्लस हो रहा है ना अः सर ये दो है ये आठ है सर आपने यहाँ पर छह प्लस किया है ठीक है सर यहाँ भी आपने आठ छह चौदाह होता है नहीं आठ आठ सोलह होता है यहाँ पर आपने आठ प्लस किया है फिर सर सोलह से बाईस तो सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस आपने फिर से छ प्लस किया है फिर आप आगे आठ प्लस कर दीजिए तो बाईस और आठ कितना हो जाएगा बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस फिर एक दो तीन चार यानी कि फिर से आपने आठ प्लस किया था अब आगे आप छः प्लस करिए तो छह चार दस यानी कि जे आना चाहिए जे आना चाहिए ऑप्शन आपके पास है अब आप बताइए इनमें से बाकी वाला क्या होगा बाकी के लेटर्स को देखो भाई क्या हो रहा है ये छ है ये चौदह है लास्ट लेटर अगर हम चेक करें लास्ट लेटर सब में अलग है तो ये छह है और ये चौदह है कितना प्लस हो रहा है आठ प्लस हो रहा है आठ छ चौदह फिर चौदह है चौदह से फिर उसके बाद बीस दिया हुआ है यानी कि छ प्लस हुआ है आठ है छ है छ के बाद आठ है फिर छह है फिर आगे आठ आना चाहिए आठ आठ सोलह पी आएगा सर पी जे एम पी ऑप्शन नंबर टू यस ऑप्शन नंबर टू जे एम पी ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है माइनस और प्लस को अगर आप आपस में बदल देते हैं तो कौन सा समीकरण सही सही बैठेगा माइनस और प्लस को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो उसके बाद इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो सर ये बताइए कौन सा इक्वेशन सही सही बैठेगा यहाँ पर कौन सा इक्वेशन है जिसमें माइनस और प्लस को इंटरचेंज करने के बाद जो आउटपुट इसमें दिया हुआ है वो बिल्कुल ठीक ठीक दिया हुआ है सी होगा और देखते हैं हाँ बेटा बहुत बढ़िया यहाँ पर माइनस और प्लस अगर आप इंटरचेंज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो टेन आउटपुट आएगा बहुत अच्छे जितने भी लोगों ने इसको वाकई में सॉल्व करके देखा है बहुत बढ़िया ये बहुत कोडिंग डी कोडिंग दिया गया है और इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे ठीक है कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए आप सभी लोगों से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे लोग मुझे दीजिएगा सेशन को मैं यहीं पर रोकूंगा अभी फिलहाल के लिए ठीक है कुछ इश्यू आ गया है इसमें हम्म 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 ओके okay, तो जाने से पहले आप लोगों को मैं बताते जाऊं कि किस तरीके से आपको टेक्स्ट बुक पास परचेस करना होगा ये हमारी क्लास चल रही है इस क्लास को ओपन करिए इसको ओपन करते हैं आप यहाँ पर नीचे आइए लाइक कर दीजिएगा जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है यहाँ पर आप क्लिक करिएगा ये एक आपको लिंक वीडियो के नीचे ही मिल जाता है इसमें आप टेक्स्ट बुक पास परचेस कर सकते हो ठीक है तो यहाँ पर टेक्स्ट बुक पास परचेस करने का ऑप्शन आपको कैसे मिल रहा है कि अभी ऑफर ये है कि देखो अगर सेवन डेज की वैलिडिटी का टेस्ट बुक पास लेते हो तो फोर डे एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक तो मिलेंगे एक तो तो एक मिल हालांकि इसमें प्राइस जो अभी है इसमें भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा तो आइए अप्लाई कूपन करते हैं यहां पर मेरा कूपन कोड है जो आपको एंटर करना होगा क्या यहां पर कूपन कोड है मेरा एंटर करिएगा यहां पर. पर दिया ही नहीं हुआ है चलिए ए एस आर पी ए डबल एस कूपन कोड यहाँ पर एंटर करिएगा ए एस आर पी ए डबल एस ठीक है तो आपको यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा और काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे आप ये टेक्स्ट बुक पास परचेज कर पाओगे ओके चलो बाकी की क्लास अब हम करेंगे आप सभी लोगों के साथ डिस्कस कल कल हम वापस से मुलाकात करेंगे आप लोगों से और वहां पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ठीक है यस ये ये कूपन कोड है ए एस आर पी ए डबल एस इससे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा थ्री सिक्सटी रुपीज में आपको एटीन मंथ का टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा एंड uh, यहाँ ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपने अभी तक यस अगर आपने अभी तक इस ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो इस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हो इसका लिंक ये रहा आपके चैट बॉक्स में तो आपके चैट बॉक्स में ये मैंने लिंक आपको दे दिया है इस लिंक को क्लिक करके आप इस बैच को इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पर आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे हाँ अंजलि ओवर अभी के लिए बस इतना ही बाकी अब आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे ठीक है चलो थैंक यू सो मच और क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और इसको लाइक करना मत भूलिएगा